गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 10:30 और मैं पी रही हूँ चाय। और आज भी बाहर बहुत कोहरा है और धूप बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि मुझे विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इधर डुगू भी सो के उठ चुका है और ये रजाई में बैठ के चला रहा है फोन और खेल रहा है गेम। आइनू अभी सो रही है, जब आइनू उठ जाएगी तो फिर मैं। सो गाइस, मैं निकल के आ गई हूँ बाहर और मेरे को थोड़ा फ्लोर क्लीन करना था, तो मैंने सारा फ्लोर धोया है यहाँ से और सारा क्लीन करा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डस्ट और मिट्टी हो रही थी, तो मैंने सारा धो दिया है। और मैं बाकी के घर के काम देखूँगी। बाहर का मौसम तो आप देख ही रहे हैं, सूरज भी नहीं निकला है और ठंड भी है। ये सारा वॉश कर दिया है यहाँ से वहाँ तक। गाइस, 12:30 बज चुके हैं और मैं नहा ली हूँ और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और बच्चों को भी दूंगी ब्रेकफास्ट। दोनों उठ चुके हैं, डुगू नहा लिया है और आइनू नहा निकली गई है। फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर करा था, मिल्क ऑर्डर किया था और किचन का एक दो सामान और था जो कि आ चुका है। डुगू ने डिलीवरी ले ली है और इधर डुगू आइनू का केक जो बस यही बचा है। केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था आइनू ने, तो मैं अब सामान को अनपैक करती हूँ और दूध गर्म करती हूँ। इसमें है शुगर। एक्चुअली मुझे इकट्ठा राशन लेना था, तो अभी शुगर और टी ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने अभी छोटे पैकेट मंगा लिए हैं। उसके बाद मैं विशाल जाऊंगी, वहां से मैं सारा राशन लेके आऊंगी। और ये रहा मिल्क। सो गाइस, आइनू बोल रही है कि मम्मा मैं चौकोस खाऊंगी और मैंने उसके लिए चौकोस रेडी कर दिए हैं, तो मैं उसको चौकोस दे देती हूँ। और डुक्कू कह रहा है कि मम्मा मैं खाना खाऊंगा, तो मैं उसको रोटियां दूंगी बना के। आइनू लो। तो ये रही आइनू, आइनू ने अपने चौकोस। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ रूम में और यहाँ पे डुक्कू खेल रहा है, इसका लंच हो चुका है। डुक्कू कैसा रहा आपका लंच? और यहाँ पे मैं भी अपना खाना ले आई हूँ। सो गाइस, ये रही मेरी मेथी आलू की सब्जी रोटी और मैं साथ में चाय भी बना ली है। और मटर पुलाव खा रही है क्योंकि इसकी मामी ने भेजे हैं। और मैंने और डुगू ने है आलू मेथी की सब्जी के साथ रोटी। और मैं भी शुरू करने वाली हूँ खाना, तो मैं खाना खा के फिर पढ़ूंगी नमाज। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। वाइनू जा रहे हैं ट्यूशन, बज चुके हैं 4। और ओके बेटा, बाय। बाय। डुगू आइनू जा चुके हैं ट्यूशन, अब मैं किचन में करूँगी थोड़ा सा काम। थोड़ी सी हरी सब्जियाँ ली थी, तो उनको वॉश करके रखूँगी। और उसके बाद मार्केट भी जाना है, मुझे थोड़ा सा काम है। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ धो के रख दी हैं, इसमें प्याज है, प्याज को भी अनपैक कर। इस डब्बे को मैंने धो के सुखा दिया था, अब इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर रख दिया है, तो इसको रख देती हूँ अलमीरा में यहाँ पर। सो गाइज, अभी मम्मा चाय बना रही हैं। गाइज, मेरी चाय बन चुकी है। एक्चुअली मैं चली गई थी मार्केट और मैं मार्केट से आके अपनी चाय बनाई है। और डुगू आइनू बिजी अपने गोलगप्पे खाने में, क्योंकि इन्होंने ही मुझे भेजा था गोलगप्पे लेने के लिए, तो मैंने गोलगप्पे लाके दे दिए और यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई है शाम की। सो गाइज, ये खा रहे हैं गोलगप्पे और ऑलमोस्ट दोनों ने अपने 5-5 गोलगप्पे कंप्लीट कर दिए हैं। गाइज, मार्केट में वूलन कुर्ते बहुत अच्छे आए हुए हैं और मैंने एक पहले भी लेके आई थी मैं, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं था, और एक आज भी लेके आई हूँ। लेकिन मैं जल्दी आ गई थी मार्केट से क्योंकि बच्चों को कुछ ज़रूरी काम था, तो मैं उसको करके आ गई। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी अपना वूलन कुर्ता, अनपैक करूंगी तो। और रुको जाओ, गाइज मैं मार्केट गई थी जैसा कि आपको पता है, ये चलते चलते मुझे अपने लाइट सूट पसंद आ गया, तो मैंने ले लिया। एक्चुअली मुझे शॉपिंग करने का बहुत शौक है, कुछ ना कुछ चलते चलते ले लेती हूँ मैं, क्योंकि बचपन से ही गुड़गांव में रही हूँ, सदर बाजार नियर बाय है घर के, तो जो पसंद आता है ना मुझे, तो चलते फिरते स्कूटी पे चलते चलते ले लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि नाइट सूट है, ये मैंने लिया है, और ऐसा एक और भी है पर्पल मेरे पास वेलवेट में, तो ये मैंने अपने लिए लिया उसका है। लुक अलग है, इसका लुक अलग है। हाँ, ये तो आई मुझे सही कह रही है, इसका लुक अलग है और ये इसका लोवर है।
और एक मम्मा कुर्ता भी रही है, एक मैं ये गरम कुर्ता है, और ये मेरे पास जो इसका बॉटम है ये पहले से ही था मेरे पास, तो इसका कुर्ता शायद मैंने कहीं रख के भूल गई थी, तो ले भी ना था तो मैं इसके लिए ले आई। और ये इसका दुपट्टा है तो पूरा सूट बना दिया मम्मा ने, ये मैंने खुद ही, गाइस मैं खुद ही ऐसे काम कर लेती हूँ कि मैं मैचिंग करके ना अच्छा सा एक ड्रेस बना देती हूँ, ये भी खूबी है मुझे। ये मम्मा में खूबी है, और एक भी छोटी वाली मासी है उनमें भी ये बहुत खूबी है। तो वाणी तुझे कैसे लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, दोनों चीज़ सही लग रही है। हाँ तो गाइज ये मम्मा सब कुछ मार्केट से लाई हैं, और आज का व्लॉग हम एंड करते हैं यहीं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय गाइज।